थायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सुनने में बहुत ही आम सी लगती है, लेकिन ये आज के टाइम में लाखों लोगों के जीवन शैली को प्रभावित कर रही है। थायराइड एक बार को सुनने में आता है कि सिर्फ ये फीमेल में ही थायराइड की प्रॉब्लम देखी जाती है। जी हाँ, ज्यादातर प्रॉब्लम फीमेल में थायराइड की होती है, लेकिन आज मैं फीमेल के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि फीमेल में थायराइड की ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ। अब आई कार्ड बटन में है वीडियो, जाकर आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि मेल में थायराइड की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय में मेल में भी थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी जाती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि मेल ज्यादातर कभी भी थायराइड का टेस्ट करवाते ही नहीं है, इसलिए उनको पता ही नहीं चलता कि उनके बॉडी में थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। सिम्टम्स उनको नजर आते हैं, लेकिन उनको लगता है कि मुझे प्रॉब्लम थायराइड की नहीं हो सकती, क्योंकि ये औरतों की बीमारी है। आज मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाली हूं कि मेल्स के अंदर में थायराइड की प्रॉब्लम होती है, थायराइड का लेवल कितना होना चाहिए, जब प्रॉब्लम लेवल से बढ़ती है तो कैसे उसको कंट्रोल करना चाहिए, और उसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशन रखना चाहिए, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता। अब हम जानते हैं कि थायराइड एक्चुअल में होता क्या है। तो थायराइड जो है वो एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसके अंदर में थायराइड हार्मोन बनता है। वो हार्मोन हमारे बॉडी के मोस्टली जो सिस्टम है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ये जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे कॉलर बोन के ऊपर जो है यहाँ पे नेक में होता है। इसका आकार जो है वो बटरफ्लाई मतलब तितली के आकार का होता है। ये बड़ा ही छोटा सा एक इतना सा जो है वो ग्लैंड होता है। ये हार्मोन रिलीज करने का काम और हार्मोन बनाने का काम करता है। थायराइड जो है वो मोस्टली 2 तरह का होता है। पहला होता है जब थायराइड हार्मोन आपके बॉडी में बहुत ज्यादा बनता है, तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम कहते हैं, जिसके की सिम्टम्स कुछ इस तरह के होते हैं। आंखें आपकी बाहर की तरह निकली होती हैं, बॉडी आपकी बहुत पतली होती जाती है, खाना खाते हो उसके बाद भी भूख लगती है, फटीग रहती है, बाल गिरते हैं, सांसें फूलती हैं, ये सब सिम्टम्स होती है जब आपको हाइपरथायरॉयड की प्रॉब्लम होती है। अगर आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन कम बनता है तो ऐसे टाइम में जो है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि आपका वजन बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म आपकी वीक हो जाती है, खाना प्रॉपर पचता नहीं है, फैट ज्यादा एक्यूमुलेट होता है, बाल आपके गिरने लगते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है, थकावट बहुत ज्यादा लगती है, नींद बहुत ज्यादा लगती है, ठंड बहुत ज्यादा होती है। ये सब सिम्टम्स हाइपोथायरॉयडिज्म में होते हैं। दोनों ही तरह के जब थायराइड होते हैं तो अपने आप में दोनों के सिम्टम्स भी इतने ज्यादा विजिबल हैं और दोनों ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में क्रिएट कर सकती हैं। मेल के अंदर जब ये प्रॉब्लम होती है तो कई बार इसको डायग्नोस नहीं किया जाता, या कई बार उनके क्योंकि फीमेल्स में पीरियड्स नहीं होते तो पीरियडिक जो सिम्टम्स होते हैं वो उनमें देखने को नहीं आती, जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम कैजुअली और जनरली हो रही है, जैसे कि बाल गिरना, चेहरे में झाइयां आना, हमेशा आपको थकावट लगना, कमर में आपको दर्द होना, काफ मसल्स में पेन होना, हार्ट बीट पैल्पिटेशन, आपके हार्ट में पैल्पिटेशन होना, मतलब कि आपका हार्ट बीट जो है कई बार फास्ट लगता है, कई बार स्लो लगता है, इस तरह की फीलिंग लगना, पांव में के उंगलियों में बहुत ज्यादा ठंड लगना, हाथ में बहुत ज्यादा ठंड लगना, ये सब सिम्टम्स अगर हो रहे हैं, आप मेल हैं, तब भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये थायराइड हार्मोन जो है मेल में स्पेशली देखा जाए, जिसको कि TSH कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कितना होना चाहिए, तो वो 0.4 mu/L से लेकर 4.0 mu/L तक होना चाहिए। एज कैटेगरी के हिसाब से भी इसके अलग अलग जो है TSH का लेवल बताया जाता है। थायराइड के लेवल जो है मेल में अलग होता है, तो अगर 18 से 50 साल के उम्र की बात करें तो इस बीच में थायराइड का लेवल जो है वो 0.5 mu/L से लेकर के 4.0 mu/L तक होना चाहिए। के ऊपर या इसके नीचे जब भी आपका थायराइड हार्मोन फ्लक्चुएट करता है तो इसका मतलब थायराइड से रिलेटेड आपको किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। थायराइड ग्लैंड का अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव होना दोनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब थायराइड ग्लैंड का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है तो फिर हमारे स्टमक और लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल का हमारे हार्ट में जमना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी जो है प्रॉपर कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल नहीं कर पाती है, बॉडी से टॉक्सिन्स प्रॉपर निकल नहीं पाता, जिसके वजह से ब्रेन में फॉगिनेस आ जाती है। आपको हमेशा लगेगा कि ब्रेन आपका वर्क कर रहा है, ब्रेन में कूलनेस नहीं आ पाती है, सांसें ब्रीदिंग का पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा आपका डिस्टर्ब हो जाता है, आप प्रॉपर बोल नहीं पाते हो, आवाज जो है वो थरथराने लगती है। ये सब एक्सट्रीमिटीज जब बहुत कंडीशन खराब हो जाती है वैसे टाइम में होता है। इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर नजर आता है, आप पुरुष हैं, उसके बाद भी आप TSH अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि कहा यह जाता है
कि मेल में जब टीएसएच का लेवल 2.0 से अगर टीएसएच का लेवल ज्यादा होता है तो हाइपर एक्टिव होता है। थायराइड के भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं, जैसे कि T1, T2, T3, T4, T11, T12 ये सारी होती हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है एक टीएसएच होती है और T3 और T4 होता है। अगर T4 का लेवल आपका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आता है तो ऐसे टाइम में वो बहुत डेंजरस साइन करता है, मतलब वो आपके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को डैमेज करता है। इसलिए जरूरी है कि टाइम से आप अपने थायराइड को ठीक करें और टेस्ट करवाएं। अब अगर आपको हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड दोनों ही आ गया तो मैं दोनों के लिए ही आज एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूं जिसको अगर आप लगातार करोगे तो आप देखोगे कि आपके चेंजेस आने शुरू हो गए। पहली चीज ये कि आपको योगासन जरूर करना चाहिए। थायराइड की प्रॉब्लम में योगासन सबसे ज्यादा हेल्प करता है आपको। आप चाहें तो YouTube पे आप इसको सर्च कर सकते हैं, उसके बाद इस योगासन को करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी चीज जो मैं आपको कहूंगी वो ये कि जब आपको थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो अखरोट का तेल मिलता है, अखरोट का तेल ले लीजिए। उस तेल से अपने गले की यहाँ पे जहां पे आपका थायराइड ग्लैंड है उसको बहुत अच्छे तरीके से मसाज करना स्टार्ट कर दीजिए। और तीसरा चीज मैं ये कहूंगी कि एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, जिसके वजह से आपके T3 और T4 में जो प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत ज्यादा आराम आ जाएगा। ये तीनों चीजें अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि थायराइड की प्रॉब्लम कितनी भी ज्यादा है वो आपकी रेगुलेट होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ऑलरेडी अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा थायराइड है और आप उसको पूरी तरीके से रिवर्स बैक करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर देखिए, ऑलरेडी ये थायराइड के दो वीडियो बने हुए हैं, हाइपर थायराइड हाइपोथायराइड दोनों के वीडियो बने हुए हैं, इन दोनों वीडियो को देखिए। इसमें रेमेडीज मैंने बताए हुए हैं, उन सारे रेमेडीज को फॉलो कीजिए और आप भी अपने थायराइड को रिवर्स कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे अब तक टेस्टिमोनियल भेजा है कि उन्होंने अपने थायराइड को रिवर्स किया है पूरी तरीके से इसको फॉलो करके। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको फायदा होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।